3 फरवरी सुबह सानू शिवम सूद जिन्हों की उम्र करीब 30 साल है जो कि नगीना एवेन्यू के रहने वाले उन्होंने वालों सानू एक इनफॉरमेशन मिली सी कि 2 तरीक की रात को जब वो अपनी दुकान तो निकल के 11:30 के करीब अपने घर मूहर गड्डी पार करता तो एक अणपछाता नौजवान उसकी गड्डी विच मोटरसाइकिल हिट करता तो जब बाहर उतर के उस नाल गलबात करने की कोशिश करता तो एक वरना गड्डी पिछों आती है जिस विच 3 नौजवान निकल के उसनू अगवा करके गड्डी दे विच बिठा लेंदे ने उसके मुंह ते कवर पा के किसी अणपछाती जगह ते लै जांदे ने जिथे वो हथियारां दे दम ते उसनू डराउंदे ने ते उसके घरे उसके प्यो अनिल सूद नूं कॉल करवाउंदे ने कि मेरा एक दोस्त आऊगा घर उसनूं तुसीं 10 लाख रुपए जो कि घरे पए ने उसनूं दे दित्ते जाण जिस तों बाद 2 अणपछाते नौजवान एक्टिवा ते उसके घरे जांदे ने ते उसके प्यो तों 10 लाख रुपया लैके उत्थों फरार हो जांदे ने ते उह शिवम सूद जिसनूं कि अगवा कीता होया उसनूं बस स्टैंड ते छड्ड के उत्थों फरार हो जांदे ने जिस तों बाद साडी इनवैसटीगेशन जदों असीं इनवैसटीगेट कीता तां इस दे विच सानूं हुण तक टोटल 8 बंदियां दी शमूलियत पाई गई है जिस विचों असीं 6 बंदे आइडेंटीफाई कीते ने ते इन्हां 6ਾਂ विचों असीं 2 बंदियां नूं अरैसट करन विच कामयाब होए हैं जिस विच पहला जसकरन खन्ना उर्फ काका ते दूसरा अजय नेगी जो कि दोनों शरीफपुरे दे रहण वाले ने इस तों इलावा बाकी जो 4 दोषी ने पहला भुपिंदर लाडी जिसते पहला भी करीब 3 NDPS दे 7 दे आर्म्स एक्ट दे मुकदमे ने दूसरा साहिल लली तीसरा केशव कन जिसको जिसके उपर पहला 7 मुकदमा ते चौथा बैंक महाजन 2 बंदे हजे तक आइडेंटीफाई करने बाकी हैं हुण तक जो दोषी 2 अरैसट किए ने इन्हों करीब इस विचों 50 तों 55 हज़ार रुपया मिलिया सी जिस विच उस तों बाद दिल्ली घूमण गए ने उत्थे बहुत मतलब ऐशो आराम की जिंदगी जो कि आए हैं तो इन्होंने को सू दोनों को एक को 4 हज़ार रुपया एक को 12 हज़ार रुपया टोटल 16 हज़ार रुपया बरामद हो दूजे दोषियों की भाल जारी है तो सू पूरी उम्मीद है कि असं उन्होंने जल्दी अरैसट करके जो इस वारदात इन्होंने वालों 10 लाख की फरौती ली गई है उसनों अगे रिकवर करा जी थैंक यू